Please subscribe to our channel. ये संभव है, सोच में पड़ गए ना, अपना मनपसंद घर कैसे? होमलिस्ट, होमलिस्ट पर आइए और अपना मनपसंद घर परचेज, सेल या रेंट से लीजिए अपनी नियर बाय लोकेशन पर और वो भी अपने बजट में। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.homelist.co.in और कॉल ऑन 9303215006। दोस्तों गुड मॉर्निंग, मैं हूं सुरेश भाटिया ग्लोबल प्रॉपर्टीज और होम लीज कंपनी इंदौर से। दोस्तों आज सुबह के इस समय 12:30 बजे है और इस समय मैं हूं ट्राइकोन सिटी वाले मेन रोड पर। यहां से हम लोग अंदर आए हैं जो कि ये कॉलोनी खंडवा रोड पर लोकेटेड है। 8 लेन खंडवा रोड बन रहा है इस समय। तो दोस्तों मैं आज आपको ट्राइकोन सिटी के पास में एक फार्म हाउस और एक रेजिडेंशियल बंगलोस बना हुआ है जिसका प्लॉट एरिया अप्रॉक्सीमेट 3000 स्क्वायर फीट है और यहाँ पर आपको जो मैं यूनिट दिखाने वाला हूँ वो अप्रॉक्सीमेट 5 BHK के आसपास की है। कंस्ट्रक्शन उन्होंने करीब करीब 6000 से 7000 फीट किया हुआ है और जो सेलिंग प्राइस एक्सपेक्टेड है ओनर की तरफ से वो करीब 1,15,00,000 रुपए के आसपास की प्राइस है। अगर हम प्लाट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे इस कॉलोनी के अंदर समय 3,500 रुपये स्क्वायर फीट प्लॉट के रेट चल रहे हैं। उस हिसाब से अगर कैलकुलेशन किया जाए तो ये प्लॉट के रेट में ही आपको बना बनाया बंगलो मिल रहा है दोस्तों। और कंस्ट्रक्शन चूंकि उन्होंने अभी 4 महीने पहले ही किया है और इस कारण उनको कुछ दूसरी जगह शिफ्ट होना है, बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई चल रही है तो इस कारण वो ये यूनिट बेचना चाह रहे हैं। ये जो कॉलोनी है दोस्तों एक करीब 150 एकड़ की कॉलोनी है ट्राइकोन और उसी के पास में ये लेआउट आएगा। यहाँ पे आपको लाइट परमानेंट मिलेगी, ड्रेनेज लाइन, अंडरग्राउंड वाटर लाइन, सीवरेज लाइन और क्लब हाउस वगैरह सब इट। ये क्लब हाउस वगैरह की जो फैसिलिटी दोस्तों ये ट्राइकोन सिटी की है, वो जो बंगला है वो सेपरेट है, उसमें ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ DP लगा है, लाइट आपको परमानेंट मिलने वाली है उसमें, तो ऑलरेडी उन्होंने कनेक्शन किया हुआ है। ये जो रोड है ये 4 लेन रोड है, ऑलरेडी 2 लेन जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे और इस जो पास में बागड़ लगी उसके पास में भी 2 लेन की रोड है। उसके अलावा एक ये सर्विस रोड है यहाँ पे, अगर आप मैं आपको दिखाऊं ग्रीनरी बहुत अच्छी है यहाँ पे और अगले कुछ सेकंड्स में ही हम लोग जो है उस प्रोजेक्ट पर पहुँचेंगे जहाँ पे मैं आपको उस विला की जो है विजिट कराने वाला हूँ दोस्तों। तो आप मेरे साथ बने रहें इस वीडियो में, तब तक मैं आपको कुछ और भी डिटेल देते चलूंगा। दोस्तों ये ट्राइकोन सिटी जो है खंडवा रोड का जो AB रोड है वहाँ से तेजई नगर बाईपास से अप्रॉक्सीमेट कुछ 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और यहाँ से 5 किलोमीटर और आगे हम जाएंगे तो सिमरोल और सिमरोल में एक IIT है, इंदौर में जो IIT है वहाँ से 5 किलोमीटर पहले और ये जिस लोकेशन पे लोकेटेड है इसके आसपास में पिकनिक स्पॉट है जैसे चौकी धानी करके एक फेमस जगह है, वो भी एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है पिकनिक के लिए। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं तमाम सारे घर बने हुए हैं, चूंकि सिटी से दूर है थोड़ा सा तो ग्रीनरी भी वेल मेंटेन्ड है और एक अच्छी कंपनी का प्रोजेक्ट है। जैसा आप देख रहे हैं दोनों तरफ प्लांटेशन भी बहुत खूबसूरत किया हुआ है। तो दोस्तों बस हम अगले 1-2 मिनट के अंदर ही हम उस बंगले पे पहुंच रहे हैं और हम आपको विजिट करा रहे हैं कि वो यूनिट कैसी है, तो आप मेरे साथ बने रहें। हम यहां से राइट टर्न लेंगे दोस्तों, अब हम आपको सीधे वहीं ले चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग फाइनली उस यूनिट पर आ चुके हैं और हम अब आपको विजिट कराने वाले हैं कि इस यूनिट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है दोस्तों। तो आइए हम चलते हैं यूनिट के अंदर और हम आपको बताते हैं कि उस यूनिट में क्या मिलने वाला है आपको। ये इसका मेटल का गेट है और यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक डोर बेल लगी हुई है।
ये फ्रंट में दोस्तों यहाँ पे पार्किंग का एरिया है। इस घर में करीब करीब तीन एंट्रीज़ हैं। जैसा मैं आपको बता दूं कि ये वाली जो एंट्री है ये सीधे अंदर जाने के लिए है, और यहाँ से अगर आपका कोई काम करने वाला है, मेड वगैरह है, तो वो यहाँ से एंटर कर सकते हैं। तो ये वॉश एरिया भी कहला सकता है। उसके अलावा ये फ्रंट में टू व्हीलर फोर व्हीलर की पार्किंग है। इसका जो डायमेंशन है 51x57 है। अप्रोक्सीमेट 3000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है दोस्तों। ये आप देख रहे हैं खूबसूरत सा एंट्रेंस गेट, और यहाँ पर जो है इसमें पर्सनल बोरिंग है, वाटर फाउंटेन है, और उसके अलावा छोटा सा गार्डन का एरिया भी है। ये देख रहे हैं जैसा कि फाउंटेन इस समय वर्किंग में है। तो ये गार्डन बना हुआ है इनका छोटा सा पर्सनल। आइए मैं अब आपको एंट्रेंस गेट से लेके चलूँगा अंदर, और बारी बारी से दिखाऊंगा कि यहाँ पे आपको क्या क्या मिलने वाला है। ये इसका एंट्रेंस गेट है। यहाँ पे देख रहे हैं आप विट्रीफाइड टाइल्स का काम पूरा किया हुआ है। ये हॉल है, और हॉल के पास में ही एक टेंपल की स्थापना की हुई है। ये जैसा आप देख रहे हैं ईशान कोण है। ये यूनिट दोस्तों वास्तु कंप्लाइंस है, वास्तु के हिसाब से डिज़ाइन की हुई है और खूबसूरत है। ये आप देखिए यहाँ पे जो इसका किचन है वो भी साउथ ईस्ट किचन है। तो मैं परफेक्टली आपको बोल सकता हूँ कि ये देखिए कितना बड़ा किचन है। नॉर्मल किचन है, मॉड्यूलर बनाया जा सकता है इसको। और जो इसका प्लेटफॉर्म है वाइट है, ब्रांडेड कंपनी की सैनिटरी फिटिंग्स लगी हुई हैं। डबल साइड विंडोज़ हैं इसमें, और आपको भरपूर रोशनी मिलने वाली, फ्रिज रखने की भी भरपूर जगह है दोस्तों। तो लेफ्ट हैंड पे एक बेडरूम फर्स्ट वाला, ये देखिए एक बेडरूम है, साथ में इसमें लेड बाथ अटैच है, डायवर्टर मिक्सर्स लगे हुए हैं यहाँ पे, और इधर बेसिन है। उसके अलावा फिर इसी से लगा हुआ एक सेकंड बेडरूम मिलेगा आपको। ये बेडरूम है, डबल बेड लगने के बाद भी मोर देन सफिशिएंट स्पेस है। ये भी दोस्तों वेस्टर्न टॉयलेट के साथ में है। फुल हाइट टाइल्स का कवर किया हुआ है, पीओपी है इसके अंदर, फैन ट्यूबलाइट्स लगे हुए हैं। और ग्राउंड फ्लोर पे मैं आपको दिखाऊंगा एक ही तीसरा बेडरूम है। ये देखिए ये थर्ड बेडरूम, साथ में यहाँ पे कॉमन टॉयलेट दिया हुआ है इंडियन, और ये वही स्पेस है जो मैंने आपको दिखाई थी थोड़ी देर पहले, यहाँ पे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं वॉश एरिया के लिए। ये देखिए अब मैं आपको इसके फर्स्ट फ्लोर पे लेकर चलूँगा, और अब मैं दिखाऊंगा कि आपको वहाँ पे क्या चीज़ें और इन्होंने कंस्ट्रक्शन की हुई है। करीब 6000 से 7000 फीट का कंस्ट्रक्शन है इसके अंदर। आइए अभी हम ऊपर चलेंगे दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो तमाम सारे जो दोस्तों मकान बने हुए ऑलरेडी इस कॉलोनी के अंदर हैं, तो दिख रहे होंगे आपको। देखिए आइए अब हम चलेंगे ऊपर दोस्तों। ये एक एक्स्ट्रा किचन भी यहाँ पर दिया हुआ है ग्राउंड फ्लोर पर ही, ये देखिए, और स्टोरेज का सामान है यहाँ पे। ये आपका हॉल से बेडरूम से कनेक्टेड है ये। ये इसमें एक्सटर्नल बाहर से चढ़ाव दी हुई है, पक्की चढ़ाव है पूरी। ये ऊपर एक बेडरूम और लेट बाथ अटैच दिया हुआ है यहाँ पर, और ये इसकी टेरेस है यहाँ पर, और एक एंट्री आपको यहाँ से मिल जाएगी दोस्तों। ये जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी, ये देखिए ये बेडरूम, और बेडरूम से लगा हुआ इसका किचन है। ये देखिए ये है इसका किचन, और यहाँ पे आपको एक वॉश एरिया मिलने वाला है वॉशिंग मशीन के हिसाब से। और यहाँ फिर अगेन एक लेट बाथ है। तो दोस्तों खूबसूरती की बात करें अपन, तो यहाँ तमाम सारे जो हाउसेस हैं बने हुए हैं, और मैं आपको यहीं से दिखाना चाहूँगा। ये देखिए सामने माउंटेन्स आप देख पा रहे होंगे,
ये देखिए आसपास काफ़ी ग्रीनरी है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों। यहाँ और भी कई सारे मकान बन रहे हैं जैसा आप देख रहे हैं, और ये सामने एक तालाब भी है इसमें ऑलरेडी, ये आपको पानी दिख रहा होगा यहाँ पे। तो वाटर लेवल की कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, पानी आपको हमेशा अच्छा मिलने वाला है। ये चूँकि अभी सड़कें WBM की हैं, आने वाले दिनों में सब लोग मिलके इसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों रहने के हिसाब से बहुत खूबसूरत जगह है। बजट वाइज भी हम देखें तो सिटी में इस बजट में हमें फ्लैट मिला करते हैं। अगर आप इस यूनिट को परचेस करने में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्प्ले में हमारे नंबर आपको दिख रहे होंगे, आप उस पर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई और सवाल जवाब हो तो आप बिल्कुल हमें क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।